नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विवेक। सोमवार को संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण की शुरुआत में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर का बजट पेश किया। वित्त मंत्री ने 2022-23 के लिए 1.42 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। इसके साथ ही निर्मला सीतारमण ने निचले सदन में जम्मू कश्मीर के लिए वित्त वर्ष 2021-22 के लिए अनुदान की अनुपूरक मांग भी पेश की, जो करीब 18,860 करोड़ रुपए की है। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष ने सरकार से मांग की कि बजट प्रस्तावों के अध्ययन के लिए उन्हें पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए। इस बजट में ग्रामीण विकास, उद्योग, कृषि क्षेत्र और पर्यटन के विकास को केंद्र में रखा गया है। केंद्र सरकार 2022-23 के लिए अपने आम बजट में जम्मू कश्मीर के लिए 35,581 करोड़ रुपये की घोषणा पहले ही कर चुकी है। जम्मू और कश्मीर में प्रस्तावित मेट्रो लाइट रेल परियोजना के अलावा बठिंडा जम्मू और कश्मीर गैस पाइपलाइन, कीरू और कवार पन बिजली परियोजना और शाहपुर कंडी और उज्ज परियोजना मुख्य श्रेणी में शामिल है। बता दें कि निर्मला सीतारमण ने जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद से राज्य का तीसरा बजट पेश किया है। राज्य से अनुच्छेद 370 और 35A के निरस्त होने के बाद ये तीसरा बजट था। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।